وَإِذْ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدن لكم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب رب لي لي صدري ويسر من لساني قولي زدني علما तमाम तारीफें उस अल्लाह आलमीन के लिए लायक और जेबा है जो अपने बंदों में से जिसको चाहे नेकी और अमल सालेह की तोहफी कता फरमाता है और जिसको चाहे नेकी और अमल सालेह से दूर कर देता है वो जिसको चाहे अच्छे रास्ते पर चलाता है वो जिसको चाहे बुरे रास्ते पर छोड़ देता है अगर वो किसी को आमल साल की तोहफ़ी क़ा करे तो फिर दुनिया की कोई ताक़त उसको नेकी के कामों से रोक नहीं सकती है और अगर वो किसी को बुराए के रास्ते पर चला दे तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको राह रास पर ला नहीं सकती है लाखों सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको रहमत लाल नमीन बना कर हम तमाम की तरफ मबू फरमाया सामने करम आज की इस मजलिस में मुझे जो टॉपिक दिया गया है माशरे की आम बुरा और उनसे छुटकारा यानी बचने का हल। उनवान अपनी जगह पर बड़ा वसी है लेकिन मैं बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें तो नहीं करूँगा छोटी छोटी बातें जो हमारे माशरे के अंदर आम हैं और उनका हमें आम तौर पर एहसास नहीं होता है उन पर हल्की सी रोशनी डालकर अपनी बात ख़त्म करूंगा इन शब मैंने करा माशरे की आम बुराइयां, बुराइयां बहुत सारी हैं आदमी बुराई करता है उसको बुराई का बुराई का एहसास भी रहता है कि भाई मैं बुराई कर रहा हूँ लेकिन उसको छोड़ने की तोफ़ी वक्त नहीं हो रही है अगर आदमी बुराई को बुराई समझ कर कर रहा है बुराई कर रहा है साथ में उसको इस बात का एहसास भी है कि हाँ भाई ये बुरा है ये गलत है मैं जो कर रहा हूं गलत कर रहा हूं अगर ये समझ रहा है थोड़ा सा भी उसके अंदर एहसास है तो फिर आज नहीं कल वो सुधर सकता है आज नहीं कल वो बदल सकता है लेकिन आदमी बुराई कर रहा है उस बुराई का उसमें एहसास भी नहीं है और उसकी तरफ जहन जाता भी नहीं है उसकी तरफ ख्याल जाता भी नहीं है तो फिर उससे बचना और अपने आप को रोक लेना बचा लेना जरा दुश्वार हो जाता है तो आज मैं हमारी सोसाइटी की वो ऐसी बुराइयाँ ऐसी गलतियाँ जो है हमारे अंदर लेकिन उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है उन्हीं की तरफ मैं इशारा करने की कोशिश करूंगा सामने क्यों उन बुराइयों में से एक बुराई हमारे पास नाशुक्री के अंदाज में पाई जाती है अल्लाह तबारकवा ने हमको बेशुमार नेमतें अता कर रखा है लेकिन उन आता करदा नेमतों पर शुक्र बजा लाने का ख्याल नहीं पैदा होता है उन आता करदा नेमतों का शुक्र बजा लाने का ख्याल हमारे दिलों में नहीं पैदा होता है ये आज हमारे माशरे की ऐसी गलती है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है सामने कराम जरा देखे आप कि भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतें हमको अता कर रखा है उस पर शुक्र बजा लाना होगा लइन शकर तुम लाजीदन्नकुम मेरी अता करदा नेमतों पर तुम लोग शुक्र बजा लाओगे लाजीदन्नकुम मैं और ज्यादा नेमत अता करूंगा वलइन कफर तुम अगर तुम लोग मेरी नाशुक्री करोगे नेमतें देने के बावजूद भी उसका शुक्र बजा नहीं लाओगे फिर इन अदा शदीद तो फिर मेरा अजाब बड़ा दर्दनाक होगा यानी शुक्र का ना अदा करना अजाब का बाइस बन सकता है शुक्र का, शुक्र से गाफिल रहना यह अजाब का बन सकता है। अल्लाह ने सलाम जिस महीने से हम गुजर रहे हैं उस इब्राहिम के बारे में अल्लाह कहता है शाह ये इब्राहिम ऐसे हैं कि अल्लाह के, के अताकर्दा निक्र बजा लाने वाले जरा गौर करें आप इब्राहिम कोई बचपन में को छोड़ देना पड़ रहा है जवानी में है तब भी बस्ती को छोड़ कर जाना पड़ रहा है चवानी में है कोई निकाह करने तैयार आपके साथ नहीं है चवानी में है आपके साथ बे जो है नारावाज सुलूक किया जा रहा है बाप घर से निकाल देता है और फिर निकाह हो जाता है निकाह होने के बाद फिर वहां सामने बादशाह से जो है आमना सामना होता है आग का सामना भी पड़ता है औलाद होती है फिर उसके बाद उनको सहरा में छोड़ने का हुक्म दिया जा रहा है फिर जरा औलाद बड़ी हो रही है उसको जबाह करने का हुक्म दिया जा रहा है अलगोर यानी शुरू से लेकर आखिर तक आजमाइश आजमाइश है सुकून नाम की कोई चीज नहीं है लेकिन फिर भी अल्लाह ऐसे इब्राहिम के बारे में कहता है अल्लाह बजा लाने वाले करें आप अल्लाह इतनी परेशानी में रखने के बावजूद भी वो शुक्र कैसा बजा लाते होंगे लेकिन आज हम लोग इतनी अल्लाह ने ताकर रखी है हां अल्लाह ने हमसे अपने बच्चों कुर्बानी नहीं चाहिए अल्लाह ने अपनी बीवी को सहरा में छोड़ने का हुक्म नहीं दिया अल्लाह ने हमारे माँ बाप को अपने घर से हमें निकालने का हुक्म नहीं दिया यानी हम ही में हैं, लेकिन फिर भी शुक्र का पहलू नहीं है दोस्त शुक्र का पहलू नहीं है सुलेमान सलात के बारे में जरा देखें आप अल्लाह ने नेमत अता कर रखी थी अल्लाह से दुआ करते हुए कहते हैं परदिगारा तू जो मुझे नेमत यहां ने कर रखा है ना इस पर मुझे शुक्र बजा लाने की तौफीक अता फरमा औ ज़ेन या नशकुर नेमतक लती अनअमत अलैक तू ने अता कर रखा है मुझे शुक्र बजा लाने की तौफीक अता फरमा हादा मिन फजल रब्बी ये नेमत ये नेमत ये नेमत दिया तूने मुझे परिंदों से बात करने की तोफीक भी दी तूने मुझे जिनों से काम लेने का सब जो है सलाहियत अता फरमाई तूने मुझे हाँ हवाओं में उड़ने की तोफीक अता फरमाई ये सारी नेमतें अता कर रखी है ना हादा मिन फदली रब्बी ये मेरे रब का फदल है क्यों दिया है उसने मुझे ये सारे के सारे फदल क्यों दिया उसने मुझे सारी की सारी नेमतें लिया बोलू बनी आशकुर वो जानना चाहता है क्या मैं शुक्र गुजार बंदा बनता हूं या नहीं बनता हूं हम अपने घरों के दीवारों पर हम अपने घरों के दरवाजों पर हाजामिन रब्बी तो लिख लेते हैं उसके बाद वाली आयत को छोड़ देते हैं हाजामिन रब्बी ये महल में रब का फजल है ये घर में रब का फजल है ये कारोबार में रब का फजल है ये गाड़ी मेरा कफन है क्यों عطا कर रखा है ये महल क्यों عطا किया ये बड़ा घर क्यों عطا किया ले बलूवानी वो जानना चाहता है आशकुरमकफर क्या मैं शुक्रगुजार बनता हूं या ना शुक्रा बनता हूं वो जानना चाहता है अल्लाह ने हमको नेमत عطا कर रखी है तो शुक्र बजा लाना होगा नाशिकुरी कुफ्र है और नाशिकुरी हमारे पास आम तौर पर पाई जाती है शुक्र अदा करने का मतलब अल्लाह ने जो नेमतें आता कर रखी है ना उन नेमतों का दिल में एहसास रखना बेतलीम करना कि अल्लाह ने आता कर रखा है फिर उसके बाद जबान से उन नेमतों के बारे में बयान भी करते रहना और तीसरे मरहले पर उसकी आता करदा नेमतों को सही रास्ते पर इस्तेमाल करना यह शुक्रिया बजा लाना है माल अल्लाह ने अता कर रखा है उस माल को सही रास्ते पर लगाना यह शुक्र बजा लाना है कान अल्लाह ने अता कर रखा है इस कान को सही तौर पर इस्तेमाल करना अच्छी बातें सुनना ये कान का शुक्र बजा लाना है आंख अल्लाह ने अता कर रखी है आंखों को सही इस्तेमाल करना यह शुक्र बजा लाना है हाथ अल्लाह ने अता कर रखा है हाथ को सही तौर पर इस्तेमाल करना शुक्र बजा लाना है दोस्त ये सारी की सारी नेमतें अल्लाह ने अता कर रखी हैं लेकिन इनका शुक्र बजा लाने की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है आज हमें शुक्र बजा लाने की जरूरत है अगर आपको अच्छा दोस्त मिला है तो आपको शुक्र बजा लाना होगा आपके पास अच्छे अच्छे दोस्त हैं लेकिन क्या आपने अल्लाह ने मुझे अच्छा दोस्त अता किया इस पर शुक्र बजा ला हमने नहीं दोस्त अगर आपका मालिक अच्छा है जिससे जिसके पास काम कर रहे हैं आपको शुक्र बजा लाना होगा आपकी दुकान है आपके एम्प्लाईज हैं आपके नौकर हैं आप अंडर में काम करने वाले हैं वो अच्छे हैं तो शुक्र बजा लाना होगा आपका पड़ोसी अच्छा है तो शुक्र बजा, तो बजा लाना होगा आपके मस्जिद की मुतवली अच्छे हैं तो शुक्र बजा लाना होगा आपके पास अच्छा मदरसा है बजा लाना होगा आपके पास अच्छा उस्ताज है बजा लाना होगा आपके पास अच्छा खतीब है शुक्र बजा लाना होगा और आपके पास गाड़ी है तो शुक्र बजा लाना होगा ये सारी, ये सारी की सारी अल्लाह की नेमतें हैं आपकी बीवी आपकी फरमाबरदार है आपकी खिदमत गुजार है आपके सामने बलंदावा से बातें नहीं करती है आपके सारे हुक्म पर यस कहती है तो शुक्र बजा लाओ आपके बच्चे ऐसे हैं कि आपकी बात को टालते नहीं आप जो कहते हैं सब वो कहते हैं शुक्र बजा लाओ शुक्र बजा लाओ दोस्त ये अगर शुक्र लाओगे ना तो और हम तुमको अता कर रख करेंगे अल्लाह ने जो हमको अता कर रखा है ना बहुत बड़ी बात है कितना अल्लाह ने हमको अता कर रखा है जानते हैं आप जरा सा आप गौर करें कि भाई दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह कौन गुजरा भाई दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह वो भाई कुछ कहते हैं वो द ग्रेट वो सिकंदर आजम बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है उसने ये सल्तनत फतेह की ये सल्तन फता की, ये किया, ये किया। आमतौर पर हम पढ़ते हैं ना हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा बादशाह सिकंदर आजम था। अच्छा हमको अल्लाह ने सिकंदर आजम से भी बड़ा बनाया है अच्छा हमको अल्लाह ने सिकंदर आजम से बड़ा बनाया हाँ बिल्कुल बनाया है सिकंदर आजम को जो अल्लाह ने सवारी दे रखी थी घोड़े की शक्ल में ऊंट की शक्ल में उसकी सवारी के मुकाबले में हमारी सवारी सौ गुना ज्यादा तेज रफ्तार है है कि नहीं? जिस बाइक पर बैठ कर आप फरनाटे के साथ आगे बढ़ते हैं ना उसके घोड़े से कई गुना ज्यादा तेज रफ्तार है जिस कार में बैठकर आप सफर करते हैं ना उसके सवारी से कई गुना बेहतर सवारी आपके पास है सिकंदर आजम ठंडा पानी पीना चाहता था तो रात में मिट्टी के घड़े में पानी भर कर सुबह तक इंतजार करता और मीठा पानी उसको मिलता ठंडा पानी मिलता लेकिन आप बस कूलर पर उंगली दबाएंगे तो नीचे से ठंडा पानी आपके पास आता रहेगा उसको ढाबा देने के लिए चार चार दस दस नौ कर रहकर पंखा हिलाते थे लेकिन आप बटन दबाओ आपका फैन 24 फोर आवर्स आपके पास काम करता रहेगा ये अल्लाह की नेमत है अल्लाह की नेमत है बिरयानी एक जमाने में नवाबों की ही गिजा थी नवाबों का खाना था राजा महाराजों का खाना था लेकिन आज छोटे से छोटा गरीब भी बिरयानी खा रहा है दोस्त छोटा सो कचरा चुनने वाले भी बिरयानी खा रहे हैं क्या अल्लाह का ऐसा नहीं है क्या अल्लाह की नेमत नहीं है ला इन शुम लोम शुक्र बजा लाओ और हम तुमको अता करते रहेंगे तो हमारे माशरे की एक गलती ना शुक्री है कितना भी अल्लाह देता है नहीं यार मार्केट जरा टाइट है जेब टाइट है ना हाँ, आजकल जीएसटी लगाया है फिर वो टैक्स है ये टैक्स है इतना अता करने के बावजूद भी टाइट 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 मुश्किल 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 नाशुक्री ही नाशुक्री हमारे पास पाई जाती है इस नाशुरी को खत्म करना होगा आपको शुक्र बजा लाना होगा अगर शुक्र बजा लाओगे ना अल्लाह कहता है अल्लाह क्या पड़ी है कि वो तुमको आजाब दे अल्लाह को क्या पढ़ी कि वो तुमको आजमाइश में डाले तो गोया शुक्र एक ऐसी कुंजी है जिसकी वजह से इम्तिहान से महफूज हो जाते हैं आजमाइश से महफूज हो जाते हैं और अजाब से महफूज हो जाते हैं यह सारी की सारी बातें शुक्रगुजारी में है हमें शुक्र बजा लाना होगा आपकी बीवी खाना बनाकर टेबल पर रखती है शुक्रिया बोलो दोस्त आपका बच्चा गिलास लाकर पानी देता है शुक्रिया बोलो उसको आप जो है आप अपने बच्चे आप जो है आपका बेटा छोटा मोटा काम करता है आपकी बेटी काम करती है आपकी खिदमत करती है तो शुक्रिया बोलो आज हम लोग हां शुक्रिया का मतलब कोई दोस्त किसी दोस्त के साथ कोई मुल साहब किसी दूसरे को कोई बड़े आदमी कुछ करे तो ही शुक्रिया कहते हैं ये तो है ठीक है लेकिन हर छोटे के साथ भी शुक्रिया बोलना चाहिए आप दुकान में बैठे हुए हैं आपका एम्प्लॉय आकर ग्लास रख देता है पानी पीने के लिए शुक्रिया बोलो उसको शुक्रिया बोलो उसको ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और दुनियावी तौर पर भी साइंटिस्ट ये है कहते हैं कि जो आदमी अपनी लाइफ में ज्यादा शुक्रिया बजा लाता है ना वो तरक्की पर तरक्की करते जाता है वह उसका माइंड हमेशा पॉजिटिव हो जाता है उसके माइंड में कभी भी इधर उधर की बातें नहीं आती हैं जो शुक्र बजा लाने वाला होता है वो हमेशा हर दिल अजीज होता है प्यारा होता है तो हमारे माशरे के कमी नाशु है उस नाशुक्री को बदल कर शुक्रिया में लाने की जरूरत है आज से बोलेंगे हम लोग इंशाला अपनी बीवी खाना बनाती है शुक्रिया बेगम बोलो आप आपका बेटा पानी लाता है शुक्रिया बेटा बोलो आप उसके बाद देखो घर का माहौल कैसे बदल जाता है और कैसे मुस्कुराहट हमारे चेहरों पर तारी होती है इंशाला और उसके बाद हमारे माशरे की दूसरी खामी यानी यार दोस्त एक अजीब सा माहौल है ये उससे बातें नहीं कर रहा है वो उससे बातें नहीं कर रहा है हां वो उससे बातें बंद किया हुआ है इससे बातें बंद किया हुआ अजीब सा माहौल तनाव तनाव का माहौल है हमारी सोसाइटी के अंदर मुंह फेर लेते हैं जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वअन ابي ايوب الانصاري رضی اللہ تعالی عنہ قال

किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं अपने मुसलमान भाई से तीन दिन से बढ़कर बातें करना बंद कर दे क्या होता है फैल तफिया वह इधर से आता रहता है या इधर से आता रहता है फयरी दुहादा या इधर मुंह फेर लेता है दुहादा वह उधर मुंह फेर लेता है मुंह फेर लेते हैं चेहरा बदल लेते हैं हाँ वो खैरुहुमा उन दोनों में बेस्ट व बेस्ट कौन है उन दोनों में अच्छा कौन है सलाम जो सलाम करके बात का आगाज करता है वो अच्छा है पहले सलाम करने से वो कमतर नहीं होता है पहले सलाम करने से नीचे नहीं होता है पहले सलाम करके बात करने से वो बेशरम नहीं होता है इस्लाम की नजर में अच्छा वो है जो पहले सलाम करके बात का आगाज कर दे वहां रसूलिन

फमाता उसी हालत में अगर वो इंतकाल कर जाए नारा। जहन्नम का मुस्तक बन जाता है दोस्त जहन्नम में चला जाता है देखा आपने कि भाई दोस्त दोस्त से मुंह फेर ले रहा है और ये बातें बंद करने के जो बीमारी है ना हमारे खवातीन के अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है बहुत ज्यादा खवातीन के अंदर पाई जाती है सास बहु में जो अनबन होती है कई कई दिनों तक बातें नहीं होते ननद और भावच के दरमियान जो झगड़े होते हैं ना ये लंबे लंबे अरसे तक चलते रहते हैं और ये देवरानी की जो जटानी लड़ाई झगड़ा है ना ये लंबे लंबे अरसे तक चलते रहती है ये खाला और भावच के अंदर लंबी लंबी, लंबी लड़ाइयां हैं खानदान में अगर दो औरतों में अगर इख्तलाफ होता है ना वो सालों साल आगे बढ़ता जाता है यहां तक कि औरत अपने बच्चों से भी कहती है कि बेटा खाला के पास नहीं जाना उनसे मुलाकात नहीं करना फुप्पू के पास नहीं जाना और चाची के पास नहीं जाना ये हमारी माए अपने बच्चों को अपनी लड़ाई को अंदर सराय कर देते हैं डाल देते हैं नहीं दोस्त ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा इख्तलाफ नहीं होना चाहिए बातें बंद करना खत्म कर दें बातों का आगाज कर दें क्यों ये बुराई है इसको बुरा नहीं समझ रहा है अना का मसला हम समझ रहे हैं वो सलाम करेगा तो हम देखेंगे वाह रमजान में वो हमको नहीं बुलाया हम क्यों बुलाएं वाह उसकी बेटी की शादी थी वो हमको दावत नहीं दिया हम क्यों दावत देंगे वो सिर्फ कार्ड भेजे थे हम कैसे जाएंगे वो सिर्फ फोन करके बोले थे और हम क्यों जाएंगे वो घर को आना था कार्ड लेकर आना था दावत देना था बैठना था तब हम जाएंगे इख्तलाफ यार हाँ ये हमारी सोच है यह हमारा जो है सोचने का अंदाज है इसको बदलने की जरूरत है वह खैरुह इन दोनों में सबसे अच्छा वो है सलाम सलाम करके बात का आगाज करने वाला यस yes, मौलाना ये आदमी है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है जब भी हम मिलते प्रॉब्लम होता है जब भी बातें करते हैं प्रॉब्लम होता है अच्छा प्रॉब्लम होता है ठीक है लेन देन ना करें कोई बात नहीं सलाम तो करना चाहिए आमने सामने हो तो सलाम तो कर लें हाँ खैर खैर तो मालूम करें इतना तो हक बनता है एक मोमिन का दोस्त इसको ध्यान में रखें पहली गलती हमारे पास ना शिक्रे की गलती की शक्ल में है उसका मैं एहसास नहीं है दूसरा हम अरसे दराज से किसी से कत ताल्लुक कर लेते हैं बातचीत बंद कर देते हैं लेकिन फिर भी जो है हम जो अना में आकर कट कर देते हैं यह हमारी गलती है और तीसरी गलती हमारे पास हमारे समाज में हमारे माशरे में वो ये है कि वादा खिलाफी बहुत ज्यादा है दोस्त वादा खिलाफी वादे बहुत करते रहते हैं लेकिन अपने वादों को पूरा नहीं करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा वा नबी हुरैरा रضي अल्लाह तआला अन्हु कॉल कॉल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल मुनाफिक सलासुन इदा वाद अख इदा, इदा हदस कदिबा वइदा वाद अखलाफा वइदा तुमिना खाना रवाल बुखारी बुखारी की रिवायत है रावी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की निशान ये है कि वो उसके अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं इदा हदस कदिबा जब बात करता है तो झूठ बोलता है बात करता है तो झूठ बोलता है अब देखो आप कारोबारी लाइन के अंदर कितने झूठ बोलने पड़ते हैं क्या झूठ बोलना आज हमारी मजबूरी है क्या झूठ बोलना हमारी मजबूरी बन चुकी है या झूठ से हम जो है झूठ से इसलिए छुक्र हासिल नहीं कर कि सामने वाले का डर है क्या चीज है दोस्त एक टीचर है अपने स्कूल को पहुंचता है साढ़े आठ को पहुंचना है पौने नौ को पहुंच रहा है घर से निकला लेट लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि भाई लेट क्यों हो रहा है वो ट्रैफिक का झूठ बोलता है सर ट्रैफिक बहुत है सर हाँ ट्रैफिक में फंस गए थे सर झूठ बोलता है यार समझे आप आज आपने छुट्टी ली आपने किसी शॉपिंग के लिए और छुट्टी लेकर शॉपिंग को जा रहे हैं कल आप हाजिर होते हैं सर मेरा बेटा बहुत बीमार था हॉस्पिटल गया था हाँ अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल चला गया था बीवी बीमार थी हॉस्पिटल गया था ये गवर्नमेंट में जॉब करने वाले दोस्त ये अपने निजी कामों के लिए छुट्टी लेते हैं लेकिन सर्टिफिकेट कौन सबमिट करते हैं सिख सबमिट सबमिट करते हैं। बीमारी के सर्टिफिकेट ओ हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट सर्ट। छूट का फलिंदा है दोस्त छूट का परिंदा है कारोबार में लेन देन में दुकान वाला कर्म जो है दूध देने वाला दही बेचने वाला और तरकारी बेचने वाला हर जगह छूट फैल रहा है दोस्त छूट फल रहा इधर हद दशा का दीबा ये हमारे अंदर पाई जाती है बुराई आप सच बोलो सच बोलने से थोड़ा सा सामने वाले से तकलीफ होगी लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आपके सच को गालिब कर देगा आपकी गलती पर सच को गालिब करके छोड़ देगा वैदा वाद इन वैदा वादा खिलाफा और जब वादा करते हैं तो वादा खिलाफी करते हैं वादा खिलाफी बहुत आम है दोस्त इससे जरा बचने की कोशिश करें अगर आप वादे की पाबंदी करोगे ना तो अल्लाह तबारकवा आपकी खिदमत के लिए समंदरों को लगा सकता है आपकी खिदमत के लिए दरख्तों को लगा सकता है आपकी खिदमत के लिए दूसरे मकलू को लगा सकता है क्यों आप वादे की पाबंदी करना चाहते हैं वादे के वादे को निभाना चाहते हैं बुखारी मुस्लिम के रिवाज अल्लाह के रसूल ने फरमाया बने इसराइल का आदमी था अपने गांव में रहा करता था बड़े परेशान रहा करता था कारोबार नहीं था पैसा नहीं था माल नहीं था रोजी के लिए परेशानी हो रही थी उसने सोचा अपने मकाम को छोड़कर किसी और मकाम पर जाऊंगा वहां कारोबार करूंगा और अपने घर वालों को पालूंगा चुनान उसने अपने गांव वाले आदमी के पास कुछ कर्जा मांगा गांव वाले आदमी से कर्जा मांगा तो उसने कहा मैं कर्जा तो दूंगा लेकिन इस करदे पर गवाह कौन है मैं करदा दे रहा हूं इस पर गवाह कौन है तो उसने कहा अल्लाह मेरा गवाह हो सकता है उससे बढ़कर और कोई गवाह नहीं हो सकता परेशान हुआ आदमी अच्छा तुम्हारा वकील कौन है जिम्मेदार कौन है अगर तुम ना दे सके तो और कौन देगा तुम्हारे बदले में कौन वकील होगा तुम्हारा कौन जिम्मेदार होगा उसने कहा अल्लाह से बढ़कर और कोई वकील नहीं हो सकता है इसने मजबूर होकर कर्जा दे दिया हजार दीनार उसको दे दिया समंदर का सफर तय करके जाता है वहां काम करता है पैसे कमाता है फिर वापस लौटाने के लिए वह समंदर के पास आता है अगर कोई कश्ती जा रही हो गांव को तो कश्ती में जाने वालों से पैसे दे दूं और जाकर दे देगा और कुछ लोग जा रहे हो तो उनको पैसे दे दूंगे जाकर दे देंगे एक दिन दो दिन कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन कश्ती आने कोई नाम निशान नहीं है परेशान होता है मैंने उसके सामने अल्लाह को गवाह बनाया था अल्लाह को वकील बनाया था वादा किया था टाइम पर वापस लौटाने का यहां पर मेरे पास सोर्स कुछ नहीं है मैं भेजना चाहता हूं पैसे लेकिन लेकर जाने वाला कोई नहीं परेशान होकर उसने आकर लकड़ी को लिया लकड़ी को दो टुकड़े किया अंदर पैसे रखा लकड़ी को बांधकर समंदर में फेंकते हुए कहता कि अल्लाह मैंने तुझको गवाह बनाकर कर्जा लिया था मैं तेरी जिम्मेदारी में लकड़ी को फेंक रहा हूं इस लकड़ी को तू उस तक पहुंचा देना और वो उधर इंतरा करता रहता है उधर देखता रहता है कि अब आएगा तब आएगा आएंगे पैसे तब आएंगे वहां पर पैसे आने का नाम नहीं एक दिन खड़े होकर देख रहा था वो नहीं आया मायूस कर वापस लौट कर जा रहा है और देखा लकड़ी तैरते हुए सामने आ रही है सोचा खाली हाथ जाने से बेहतर है कि लकड़ी लेकर चले जाएं लकड़ी लेकर घर गया और बीवी से कहा कि जो आने वाला था वो आया नहीं जो पैसे आने थे वो पैसे तो नहीं आए बस आते आते देखा लकड़ी आ रही लकड़ी लेकर आया तोड़ दो जलाओ रोटी बनाओ लकड़ी को तोड़ा तो अंदर से पैसे और चिट्ठी उसके अंदर तो रखी गई है उस आदमी ने अपने वादे को पूरा करने के लिए अपने वादे को निभाने की कोशिश की उसने अल्लाह ने उसके वादे के लाज रख ली अल्लाह ने उसके वादे की जो है लाज रखते हुए समंदर को लगा दिया खिदमत में कि पानी पहुंचाएगा उस लकड़ी को उसके घर तक तो वादे को निभाना होगा दोस्त खाना और अमानत में खियानत नहीं करना है अमानत में खियानत का मतलब जो जिम्मेदारी मुझे आता की गई है उस जिम्मेदारी को निभाना अमानत को पूरा करना है मैं टीचर हूं मुझे पैंतालीस मिनट क्लास में रहना है तो मैं पूरे पैंतालीस मिनट क्लास में रहकर पढ़ाता हूं तो मैं हूं प्रिंसिपल आए तो काम करूंगा नहीं आए तो नहीं काम करूंगा यह खियानत है मैं काम कर रहा हूं ऑफिस में बैठकर कैमरा लगा हुआ है तो अच्छा काम कर रहा हूं कैमरा नहीं है बस बैठकर मैं बातें कर रहा हूं यह अमान खियानत हैत है जो, जो जिम्मेदारी मुझ पर है उसको निभाना यह अमानतदारी है और अगर नहीं निभा रहा हूं तो यह बेईमानी है कि हमारी सोसाइटी में आम है और उसके बाद आखिरी बात का अगर अपनी बात ख़त्म करने जा रहा हूँ इसलिए कि मेरा टाइम ख़त्म होते जा रहा है बस मेरी साढ़े पांच बजे है और मुझे हैदराबाद जाना है आखिरी बात का अपनी बात ख़त्म करने जा रहा हूँ नादरीन हमारी सोसाइटी के अंदर हम तोहीद वाले ज़रूर हैं हम किताब सुन्नत वाले ज़रूर हैं और हम अपने ज़बान पर अल्लाह की बातें नबी की बातें लाने वाले ज़रूर हैं लेकिन एक खामी हमारे अंदर बेवफाई की भी पाई जाती है दोस्त इब्राहिम के बारे में अल्लाह ने कहा वही इब्राहिमी वफा ये वफादार आदमी थे यार वफादार थे इब्राहिम वफादार थे हमें भी अपनी जिंदगी में वफादार बनने की जरूरत है हम तोहीद वाले हैं इसमें कोई शक नहीं हम शिर्क नहीं करते इसमें कोई शक नहीं लेकिन वफादारी को भी अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है वफादारी मैं जिसके पास काम करता उससे हूं उससे वफादारी करना होगा मैं जिसका एम्प्लॉय हूं उससे वफादारी करना होगा मैं जिसका शहर हूं उससे वफादारी करना होगा मैं जिसकी बीवी हूं उससे वफादारी करना पड़ेगा मेरे बच्चों के साथ मुझे वफादार बनना है मेरे माँ के साथ मुझे वफादार बनना है मेरे बाप के साथ मुझे वफादार बनना है मेरे पड़ोसी के साथ मुझे वफादार बनना है आज हम देखते हैं ना कि जिधर इससे फायदा नहीं हो रहा उससे फायदा हो रहा है इसकी जो है आज सालों की दोस्ती को छोड़कर हम किसी और को वफादार बन जाते हैं बेवफाई कभी ना करें क्यों अल्लाह तआला इब्राहिम के बारे में कहा वही इब्राहिम वो हैं जो वफादार हुआ करते थे हमें अल्लाह से भी वफादारी करना है अपने नबी से वफादारी करना है नबी से वफादारी का मतलब नबी के जो तरीके बताए गए उस पर चलना नबी की वफादारी है नबी की बात आ रही है उम्मती की बात आ रही है नबी की बात को छोड़ देना उम्मती की बात लेना यह बेवफाई है साहबी का अमल सामने आ रहा है एक बुजुर्ग का अमल सामने आ रहा है साहबी की बात को छोड़ देना एक उम्मती की बात लेना यह साहबी से बेफाई है तो वफादारी अपनी जिंदगी में लाना जरूरी है बेवफाई को तरक कर दें क्यों इसलिए के अगर हम बेवफा बन जाते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहे बातों में चाहे अपने कामों में चाहे अपने फिक्र में चाहे अपने सोच में तो फिर शर्मिंदा होना पड़ेगा शर्मिंदगी से बचने के लिए वफादारी इख्तियार करें जो वफादार बनता है ना अल्लाह उसकी वफादारी की लाज रखता है जो वफादार का मतलब अल्लाह के बातों पर सीधा सीधा अमल कर लेना जो है वही बताना जो जबान पर है वो दिल में रहना जो दिल में वो जबान पर रहना ये वफादारी है दिल में कुछ है ज़बान पर कुछ है सोच कुछ है इजहार कुछ, है, आ, पीछे कुछ, है, कुछ है पीछे कुछ कहते हैं सामने कुछ कहते हैं पीछे कुछ और काम करते हैं सामने कुछ और काम कर रहे हैं बेवफा है किसी के साथ भी क्यों ना हो वफादारी को लाजिम पकड़े तो ये चंद बातें थी जो हम आपके साम रखना चाहते थे हम अल्लाह से दुआ करते हैं बारी ताला तो हम तमाम के अंदर से छोटी छोटी बुराओं को मिटाने की तोफ़ी अतः फरमा बारी तला तू ही हमें नेकी के रास्ते पर चला सकता है और हमें तुझसे करते हैं कि बारी ताला हमें बुराई के रास्ते निकाल कर नेकी के रास्ते पर चलने की तोफीक़ अतः फरमा बारी तला जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा बारी तला जो कर्ज में मुलवस है उनके कर्ज अदा करने की अता फरमा बारी तला जो बीमार है उनको शिफाए कामिल अता फरमा बारी तला जो जो है अपनी बेटियों के लिए परेशान है उनके बेहतर जोड़ाता फरमा बारी तला जो अपने बेटों के लिए परेशान के बेहतर जोड़ाता फरमा बारी तला बेहतर पड़ोसी अता फरमा बेहतर हुक्मरान अता फरमा बेहतर ताजिर अता फ़रमा बेहतर दोस्त अता फरमा बेहतर जो है हम हमें मालिक अता फरमा बारी तला हम में से जितने लोग दूसरों के साथ रहता है ना एक दूसरे के हाँ हक को अदा करने की अता फरमा मोहब्बत को फैलाने वाला बना और उल्फत को फैलाने वाला बना नफ़रत को मिटाने वाला बना और ताल्लुक से दूर रहने की अता फरमा बारी तला हमारे छोटे बड़े काम इस मस्जिद के जिम्मेदारों को जो है बेहतर बदलाता फरमा इस मस्जिद के मुसलियों के बेहतर बदलाता फरमा इस बस्ती में रहने वाले सारे मुसलमानों को बेहतर बदलाता फरमा और दुनिया जहाँ के जितने मुसलमान हैं सबको तो बेहतर बदलाता फरमा राह रास् पर आने की तो तोफ़ी कता फरमा जितने गैर मुस्लिम भाई हैं उन सब को बारी ताला मरने से पहले तेरा करमा पढ़ने की तोफ़ी कता फरमा वाखुर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू